चेहरे को खूबसूरत बनाने की यदि कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं ना दोस्तों, जो आपके चेहरे के सारे दाग धब्बों को हटा दे, चेहरा हो जाए चांद के जैसा खूबसूरत, झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं, मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी का होना बंद हो और जितने भी दाग धब्बे हैं वो सारे हट जाएं। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी लेकर आई हूँ, खासकर गर्मी के मौसम में जब हमारे चेहरे पर बहुत जल्दी कालापन आने लगता है, बहुत जल्दी हमारी स्किन डल सी पड़ जाती है और सनबर्न के निशान से पड़ जाते हैं, उसे हटाने का ज़बरदस्त नुस्खा आज आपके लिए शेयर कर रही हूँ। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे मुल्तानी मिट्टी का। मुल्तानी मिट्टी जिसे हम फुले अर्थ भी कहते हैं, इस तरह से टुकड़ों में ले सकते हैं। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी के कुछ छोटे टुकड़ों को लिया है, हल्का सा कूट लिया है ताकि और भी ज़्यादा छोटे हो जाएं और हमें इसे सोक करने में आसानी हो। इसे भिगाने के लिए दोस्तों आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल करें और अच्छे रिजल्ट के लिए ना कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। कच्चे दूध में सोक करके आधे घंटे एक घंटे रखे रहने दीजिए। छोटे टुकड़ों में मैंने इसीलिए तोड़ा है ताकि मैं आसानी से इसे दूध में भिगा सकूं और वो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। बड़ा टुकड़ा लेंगे ना तो उसे नरम होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए तोड़ कर लिया है। आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें तो यहाँ पर सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी में देखिए आपको इस तरह से एक बार आप चाहें तो हल्का सा धो लीजिए। इस पानी को मैं एक बार फेंक दूंगी और फिर इसमें अब मैं दूध डालूंगी। इस पानी को मैंने फेंक दिया है और अब इसमें डालना है आपको दूध। जितना भी ये जो दूध दिख रहा है ना दोस्तों, ये सब सोख कर लेगी मुल्तानी मिट्टी। ये ना सोचें कि अरे पतला हो जाएगा, ये अभी ये सब फूल जाएगी मुल्तानी मिट्टी। और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए आप इसे ऐसा ही रहने दें। मुल्तानी मिट्टी हमारे चेहरे पर ठंडक देती है, खासकर समर सीजन के लिए सबसे बेस्ट फेस पैक होता है मुल्तानी मिट्टी का। ये देखिए ये पाउडर है, ये भी आपको किसी भी दुकान में, आजकल तो हर दुकान में मिलती है मुल्तानी मिट्टी, आसानी से पाउडर भी मिल जाएगा। आप चाहें तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी स्किन पर कसाव लेकर आती है फुलेर अर्थ, हमारी स्किन को जल्दी लूज होने नहीं देती, लंबे समय तक हमारी त्वचा पर कसाव बना रहता है, रिंकल्स नहीं आते हैं यदि सप्ताह में दो बार मुल्तानी मिट्टी के पैक का इस्तेमाल करते हैं तो। आप चाहें तो इस पैक में चुटकी भर हल्दी मिला सकते हैं, आप चाहें तो इस पैक में कॉफ़ी भी मिला सकते हैं। कोशिश करें दोस्तों कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक का इस्तेमाल करें। ये हमारे किचन की हल्दी है जो कि थोड़ा चेहरे पर पीलापन दे जाती है। कस्तूरी हल्दी से चेहरे पर पीलापन नहीं आता। नहीं है कस्तूरी हल्दी, नहीं डालना चाह रहे हैं तो कॉफ़ी डालिए। कॉफ़ी एक बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है, साथ में दही डालना बिल्कुल ना भूलें ताकि दही हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करे। मुल्तानी मिट्टी से बहुत से लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगती है, इसलिए इसे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ मिला रही हूँ कर्ड दही। अच्छा गाढ़ा दही लें। दही जो होता है दोस्तों, इसमें जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारे स्किन को नेचुरल तरीके से ब्लीच करता है, त्वचा पर गोरापन आता है दही का पैक लगाने से। यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर का इस्तेमाल किया है दोस्तों, आपको दूध में भिगाकर भी बताया है, आप चाहें तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पाउडर में मैंने डाला है यहाँ पर 1/4 टीस्पून वाइल्ड टर्मरिक। आपके पास नहीं है किचन की हल्दी डालना चाह रहे हैं तो इससे भी कम डालें, सिर्फ एक पिंच हल्दी डालें किचन की, ताकि हल्दी हमारे चेहरे से मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर सके। अब डालिए कॉफ़ी, एक चम्मच, दो चम्मच कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। कॉफ़ी जो होती है इसमें जो कैफीन होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कॉफ़ी रंग को गोरा करती है, हमारी त्वचा पर एक नेचुरल शाइन लेकर आती है, साथ ही साथ मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी के होने को भी रोकती है कॉफ़ी। हमारे स्किन की बात करें या हमारे बालों की बात करें, कॉफ़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है। साथ में डालना है बिल्कुल गाढ़ा दही, पतला दही नहीं डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दही हमारे त्वचा पर लगा रहे। दही का पैक तो खासकर गर्मी के मौसम के लिए मुल्तानी मिट्टी दही का पैक सबसे अच्छा पैक होता है। सप्ताह में दो बार लगाइए, आप चाहें तो सप्ताह में तीन बार भी लगा सकते हैं। 10 मिनट इसे पूरा लगा कर रखें।
सभी उम्र वाले इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी उम्र कम है तब भी इसे लगाइए, आपकी उम्र ज़्यादा है तब भी इस पैक को 10 मिनट करीब करीब लगा कर रखिए। धीरे धीरे ही मैं इसमें दही डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, ताकि दही का जो प्रोटीन होता है, दही में विटामिन सी होता है, दही में विटामिन डी होता है, हमारी स्किन को अंदर से नरिश कर सके, हमारी त्वचा को अंदर से हेल्दी बना सके। और जब हमारी त्वचा को पोषण मिलता है तो त्वचा में अंदर से निखार आता है, अंदर से त्वचा में चमक आती है। अब यहाँ पर ये जो पैक बना है दोस्तों, देख सकते हैं जितना सुंदर दिखने में लग रहा है ना, उतना ही बढ़िया रिजल्ट देगा आपको ये पैक। लगाइए अब इसे अपने बिल्कुल साफ चेहरे पर, इस पैक को लगाकर 10 से 12 मिनट तक रखना है। ये ना सोचें कि अरे हमारा चेहरा सूखेगा, दही मैंने इसमें भरपूर इस्तेमाल किया, गाढ़े दही का, कॉफ़ी रंग को गोरा करेगी। मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे के लिए सबसे बेस्ट होती है, एक बेस्ट क्लींजर के जैसा भी काम करती है, हमारी त्वचा में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालती है मुल्तानी मिट्टी। मैं खुद आज 60 साल की होने आई हूँ दोस्तों, 60 ईयर की होने आई हूँ, मेरे चेहरे पर ऐसे कोई भी रिंकल्स नहीं है। तो इस तरह से आप अपने स्किन का, अपने बालों का ख्याल रखें दोस्तों, और जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाली चीज़ों से अपने बालों को, अपनी त्वचा को बचा कर रखें। पूरे चेहरे पर लगाइए, आप इसे अपनी नेक पर, गर्दन पर भी लगाइए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने चेहरे की खूबसूरती का ध्यान रखते हैं परंतु नेक का ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे हमारी गर्दन पर, हमारी गले पर, गले की त्वचा पर बहुत जल्दी रिंकल्स आने लगते हैं। इसलिए चेहरे के साथ ही साथ इस पैक को आप इसमें भी ज़रूर लगाइए। देखिए मैं खुद भी अपने पूरे चेहरे पर लगा रही हूँ और 10 मिनट के बाद इसे वॉश करना है। अभी सही तरीका भी बताऊँगी इसे रिमूव करने का, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही मेरा परिवार मुझे एक कमेंट जरूर करे कि आप मेरे इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट में मुझे आपका नाम चाहिए, आपके शहर का नाम चाहिए, ताकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तब उस अगले वीडियो में आपको थैंक्स बोल सकूं, आपका नाम अनाउंस कर सकूं। परिवार को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए मैंने अपने चेहरे पर, गर्दन पर लगाया है, अब मैं आपको ये छू कर दिखा रही हूँ। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, मेरा पैक जो है हल्का सा नमी है इसमें, बिल्कुल मैंने सुखाया नहीं है कि सफ़ेद कर लिया है, हल्का हल्का सा मॉइस्चर है, तब इसे ना थोड़ा रगड़ते हुए निकालें। इससे दूसरा फ़ायदा आपको ये होने वाला है, आपके चेहरे पर जो भी अनवांटेड हेयर हैं, अनचाहे बाल हैं, वो भी इस तरह से मसाज करने से, रगड़ खाने से हल्का सा टूटने लगेंगे और फेशियल हेयर से भी आपको छुटकारा मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।